हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सीसामऊ मार्केट के अंदर से, क्योंकि मुझे मार्केट से लेना था कुछ सामान जन्माष्टमी के लिए। तो आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मार्केट के अंदर से और मैं पहुँच गई हूँ मार्केट और मैं यहाँ देख रही हूँ भगवान जी के लिए सुंदर सुंदर से कपड़े। मैं और मेरी मॉम यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं भगवान जी के लिए कपड़े। और ये बांसुरी मैं दिखा रही थी मॉम को कि मॉम ये कैसी लग रही है, तो मुझे अच्छी लग रही थी। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सामान था भगवान जी का। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ड्रेस देख रहे हैं, यहाँ भगवान जी के बहुत सारे कलर के ड्रेस थे, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, बहुत सारे। और मेरे बाल गोपाल के पास घर पे भी बहुत सारे कलर के कपड़े थे, तो हम लोग सोच रहे थे कुछ ऐसा चूज़ करें जो उनके लिए अच्छा था। और ये गाय मैं आपको दिखा रही हूँ, अच्छी थी, पर वो बोलते हैं ना कि ऐसी नहीं थी जो मन को छू जाए। गाय का जो मटेरियल था और इतना थिन बनाई हुई थी कि देखने में तो ठीक लग रही थी, पर रियल आइज से देखने में इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, तो हम लोगों ने इसे नहीं लिया। और यहाँ हम लोग कपड़े सेलेक्ट कर रहे थे कि जो ऐसे कपड़े लें कि भगवान जी के लिए न्यू लगे और न्यू लुक भी लगे। तो हम लोग बस यहाँ पे वही देख रहे हैं कि किस कलर के कपड़े लिए जाएं। और हम लोग यहाँ देख रहे हैं भगवान जी के कपड़ों की मैचिंग की एक्सेसरीज़, क्योंकि उनका बर्थ होता है और हम लोग बच्चों की तरह उनसे सजाते हैं, उन्हें ज्वेलरी पहनाते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं। और बस हम लोग वही चीज़ें देख रहे हैं। और अंकल ने ये बॉक्स दिया कि आप इसमें से देख लो, इसमें सारी एक्सेसरीज़ हैं। बट अच्छी थी, पर इसमें ऐसी नहीं थी ना जो ड्रेस से मैच करे और अच्छी भी लगे, तो हम लोगों ने नहीं लिया। और मॉम फिर उनमें से देख रही हैं, पर प्रॉब्लम इसकी ये थी कि कलर तो मैच हो जा रहा था, पर इसमें कान के और हाथ के और जो डंडी होती ये सब चीज़ें नहीं थी। तो वही हम लोग कन्फ्यूज़न में थे कि क्या करे जाएँ। और ये मैं दिखा रही हूँ, ये बच्चों की जो जूतियाँ थी ये राधा कृष्ण के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। और हम लोग बस मार्केट में आगे जा रहे हैं, जब भगवान जी के कपड़े मिलते हैं, ज्वेलरी मिलती है और एक्सेसरीज़ मिलती है। काफ़ी बड़ी दुकान है वो, और वो राधा कृष्ण के कपड़े और ओवरऑल मतलब वो उनकी दुकान ऐसी है जो भगवान जी के ही कपड़े, ये शादी का सामान ऐसे ही मटेरियल वो सेल करते हैं अंकल। और हम लोग आ गए हैं यहाँ भगवान जी के बर्थडे की डेकोरेशन के लिए। तो बस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और मंदिर के लिए हम यहाँ पे ताव देख रहे हैं, ताव इन द सेंस कवर, कि भगवान जी की अलमारी के लिए जो कागज़ लगाया जाता है उसे हमारे घर पे ताव बोलते हैं, तो बचपन से मैं भी उसे ताव बोलती हूँ। और मैं देख रही थी ये झूले और कृष्ण भगवान काफ़ी हल्के थे, पर जिनके पास नहीं है उनके लिए ये भी बहुत अच्छा है। और भगवान तो कड़कड़ में होते हैं, बस उन्हें श्रद्धा से देखने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कागज़ से बनी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें इनकी शॉप पे रखी हुई है, टोटल कागज़ का है। और देखिए ऐसा लग रहा है ना कि फ्लावर पॉट है। और इसी तरीके से वहाँ इस शॉप में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। मैं मम को दिखा रही थी, मम्मी अच्छा लग रहा है ना, मेरा बस चले ना तो मार्केट से सारा सामान ले लूँ, पर सजाना कैसे है, क्या डेकोर करना है, इसका भी सोचना पड़ता है। और मैं मम को दिखा रही हूँ ये, इसको बोलते हैं फिरगी, और बस यही मैं दिखा रही हूँ। बहुत कलरफुल थी ये भी, कागज़ की थी। और ये देखिए कितनी खूबसूरत सी है ये बड़ी वाली, और इसको डेकोरेशन पे लगाने पे बहुत अच्छा लगे। जिनके घर पे बहुत ज़्यादा हैवी डेकोरेशन होती है उनके यहाँ ये सब चीज़ें लगाई जाती होंगी। और मॉम यहाँ देख रही हैं ये झूमर, ये पन्नी की थी और अच्छी लग रही थी। और ये डिज़ाइन थी, लेकिन मैंने बोला मम्मी ये रहने दो, ये क्रिसमस का लुक दे रही है। और ये है छोटे से कृष्ण भगवान और उनका झूला। और मैं इस शॉप की बात कर रही थी, ये बहुत बड़ी दुकान है, ये भगवान जी के बहुत सारे छोटे बड़े हर तरह के कपड़े रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं। और मैं और मॉम यहाँ आ गए हैं, हर बार हम लोग भगवान जी के कपड़े ज्वेलरी वगैरह यहीं से ही लेते हैं, तो बस हम लोग यही चूज़ कर रहे थे। और मुझे ये वाली ड्रेस भगवान जी की काफ़ी अच्छी लगी, और मॉम से बोली थी मॉम ये थोड़ा डिफरेंट कलर है तो क्यों ना हम लोग अब किसी को ले लिए जाए, लेकिन यहाँ इतनी सारी थी तो काफ़ी कंफ्यूजन भी हो रहा था कि कौन सी लें और कौन सी ना लें, तो देखते हैं कौन सी लेते हैं।
और बस मैं इस पूरी शॉप को देख रही हूँ कि कितना ब्यूटीफुल और कितना वाइब्रेंट कलर है सारे ड्रेसेस के। और मेरी नज़र पड़ गई इन सोफ़ा पे, भगवान जी के लिए सोफ़ा रखे हुए थे। और यहाँ काफ़ी अच्छा सामान मिलता है। और यहाँ भगवान जी का आसन मिल रहा था, काफ़ी कलर के, छोटे बड़े हर तरह का। और यहाँ एक आंटी ले रही थी बड़े से राधा कृष्ण के लिए कपड़े, तो बस मैं वही देख रही थी और मेरी नज़र पड़ गई यहाँ पे ये झूले। मैंने आज तक झूले और आसन तो बहुत देखे हैं, लेकिन ये सोफ़ा कवर और यहाँ पे ये यूनिक चीज़, आपकी भगवान जी की पैंटीज ही मिल रही थी ड्रेस के साथ। तो पहले हम लोगों ने कभी पैंटी नहीं ली, भगवान के जो कपड़े होते हैं उसमें नीचे की तो नहीं होता है, तो इस बार ये सब मिल रहा था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और गाइस ये देखिए भगवान जी का बेड, ये प्रॉपर वुडन का बेड था और ये दीवान बेड है, इसके अंदर बॉक्स है जिसमें आप भगवान जी के कपड़े रख सकते हो। और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा और इसका लुक रियल बेड की तरह है। और कुछ लोग भगवान जी को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखते हैं, सुलाते हैं, जगाते हैं और उनका प्रॉपर केयर करते हैं, तो वो लोग ये चीज़ को डेफिनेटली लेते होंगे और बहुत ही अच्छी बात है। और हम लोग आ गए हैं ये अंकल की शॉप पे मोरपंख ही लेने। और फेस्टिवल का यही होता है कि फेस्टिवल के बहाने से हम छोटे बड़े हर वर्ग के लोगों को खुश देख पाते हैं। ऐसे इनकी शॉप क्लेचर वगैरह की है तो वो इतनी नहीं चलती है, लेकिन अब फेस्टिवल है तो उस बहाने अंकल की शॉप कायदे से अच्छे से चल रही है और ये बहुत अच्छी बात है। इनके घर पे भी अच्छे से फेस्टिवल हो पाएगा और इसीलिए मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ हिंदुस्तान में इतने सारे फेस्टिवल हैं। और ये आंटी अंकल से कर रही थी बार्गेनिंग, जो कि करनी भी चाहिए, ये हर औरत का हक होता है बार्गेनिंग करना। और अब हम लोग यहाँ से मोरपंखी ले रहे हैं और मॉम ये डेकोरेटिंग आइटम देख रही हैं और पूछ रही हैं कि इनमें से कुछ लिया जाए क्या झांकी के लिए। और हम लोग ने इनके यहाँ से मोरपंखी और थोड़ी चीज़ें और ले ली हैं और अब हम लोग जा रहे हैं भगवान के प्रसाद के लिए जो सामान की ज़रूरत पड़ती है वो लेने, यानी कि ड्राई फ्रूट्स लेने और भी चीज़ें जो लगती हैं मॉम ने ली हैं। बीजा होता है खरबूजा का बीजा, ड्राई फ्रूट्स और शहद, भगवान के स्नान कराने के लिए शहद और देसी घी, ये सब चीज़ें जो लगती हैं ये सब हम लोग ने लिया। और आज हरछठ का फेस्टिवल भी था तो कुछ लोग उसके लिए भी मार्केट आए थे। वैसे हम लोग दिन के टाइम गए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी, तो यहाँ पे ये ब्राउन राइस और हरछठ का सामान यानी कुल्हड़ और पॉपकॉर्न और मकई, ये सब चीज़ें मार्केट में मिल रही थी। और एक साथ कितने कितने फेस्टिवल आने वाले हैं, रक्षाबंधन अभी गया है, जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी आने वाली, हरछठ है। ये गाइस देखिए गणेश चतुर्थी की तैयारी, ये यहाँ पे कितने सारे गणेश जी लगे हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है इस सीज़न में कि फेस्टिवल बैक टू बैक होते हैं। और गाइस ये देखिए बरगद का पेड़ 100 साल पुराना, क्या आपको देखने में थोड़ा हॉरर लग रहा है? और मैं आ गई हूँ अपने घर के पास शॉपिंग करके। सो गाइस मैंने अपने जन्माष्टमी के लिए शॉपिंग कर ली है। मैंने अपने बाल गोपाल को सजाने के लिए और उनकी झांकी को सजाने के लिए जो भी सामान चाहिए था मैंने मार्केट से ले ली।
और जन्माष्टमी की जब फेस्टिवल की जो मार्केट लगती है वो मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही यूनिक टाइप की आइटम्स मार्केट में मिलते हैं। लाइक जो आपने वीडियो में देखा होगा वो भगवान जी का बेड, दीवान बेड, वो बहुत ही क्यूट था। हर बार मैंने मतलब हमेशा से उनका कभी पालना देखा है, झूला देखा है, सेठी देखी है, बट इस बार तो बहुत ही अच्छा था। उनके लिए सोफ़ा थे, उनका बेड था, भगवान जी के लिए उनका घर था। मतलब मैं जब मार्केट से एग्ज़िट हो रही थी घर के लिए, तो मैंने देखा वहाँ पे भगवान जी के लिए घर भी रखे हैं विद उनकी गोपियों के साथ, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो सब देख के। और मैं भी अपने बाल गोपाल के लिए कुछ चीज़ें लेके आई हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी का फेस्टिवल तो भगवान जी का बर्थडे होता है, और बर्थडे के दिन उनके लिए कपड़े वगैरह सब तो होती है। तो हम लोग ने भी अपने बाल कृष्ण के लिए लिया है उनके बर्थडे के दिन और उनके छठी के दिन के लिए कपड़े। हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी पर दो जोड़ी भगवान के कपड़े आते हैं, क्योंकि एक छठी पे यूज़ होता है और एक दिन जन्माष्टमी पे जब उनका बर्थ होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जन्माष्टमी के लिए भगवान जी के लिए क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भगवान जी के लिए लेके आई हूँ, मतलब बाल गोपाल के लिए लेके आई हूँ, ये प्रिटी सी ड्रेस जो कि पिंक कलर की है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है। जो मेरे यहाँ कृष्ण भगवान हैं वो बाल रूप में हैं, और उनके ऊपर ये वाली ड्रेस बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगने वाली है। और इस ड्रेस के साथ मैचिंग का लाई हूँ, मैंने और मॉम ने पसंद किया ये उनकी एक्सेसरीज, क्योंकि कृष्ण भगवान हैं वो ठाकुर जी भी हैं, और बिना उनके श्रृंगार के तो उनका शायद पूरा ही नहीं होगा। तो ये उनके लिए लेके आई हूँ। इसमें है ये उनके गले का नेकलेस जो उनके ड्रेस से मैचिंग का है और काफ़ी प्रिटी है। और ये है उनके हाथों के बैंगल्स, जब वो पहनेंगे तो वो बहुत ही अच्छे लगेंगे। और ये है उनकी छड़ी, क्योंकि भगवान अभी बाल रूप में हैं, उनका तो जन्म हुआ है तो उनकी छड़ी की ज़रूरत तो उनको होगी। और ये है उनकी फेवरेट चीज़ बांसुरी, और यहाँ है उनका मोर मुकुट जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है मुकुट। तो हम लोगों ने ट्राई किया है कि उनके मैचिंग ड्रेस के साथ पर उनके मोर मुकुट को लाना नहीं भूलें। तो इस वाली उनकी एक्सेसरीज़ को हम लोग ने चूज़ किया है। यहाँ पे उनके कान के टॉप्स जो कि ग्लू से है, और मैं उनके कान पे कल जब लगाऊंगी और पहनाऊंगी तो आप बताइएगा कि वो कैसे लग रहे हैं। और वैसे मुझे पता है, अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगने वाले हैं और बहुत अच्छे लगेंगे भगवान जी। और इसके साथ लेके आई हूँ उनके झूले के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ भगवान जी अभी आसन पे बैठे हुए हैं, और जब जन्माष्टमी होती है तो उन्हें 6 दिन के लिए झूले पर बिठाला जाता है, और बहुत ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो उन्हें झूला पाते हैं। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मैंने हिंदू में जन्म लिया है, और इतने अच्छे अच्छे रिचुअल्स को, इतने अच्छे अच्छे फेस्टिवल को मनाने का मौका मिल पाता है मुझे। और भगवान जी के लिए ये लेके आई हूँ उनके झूले का आसन जो कि उनके ड्रेस की मैचिंग का है, और बहुत ही प्रिटी है, पिंक कलर की है और गोल्डन थ्रेड से उनका काम है। साइड पे गोटे लगे हुए हैं, और ये है उनकी पिलो, और साइड की 2 कुशन और दी है। शायद इसे सेठी बोलते हैं, क्योंकि भगवान जी आफ्टर ऑल वो हैं तो ठाकुर जी ही। तो ये है उनके झूले का आसन, और उनका मोर मुकुट तो था ही, पर भगवान जी के लिए उनकी ड्रेस से मैचिंग का हम लोग ने ये मुकुट भी लिया है जो कि काफ़ी प्रिटी लग रहा है, क्यूट सा है, और देखिए कितना छोटा सा है। और ये मेरे बाल गोपाल को अच्छे से आ जाएगा। और मार्केट में एक बहुत ही यूनिक चीज़ें मिल रही थी इस बार, यानी कि भगवान जी की दिखाती हूँ अभी आपकी, मार्केट में मिल रही थी भगवान जी की ये क्यूट सी पैंटी, क्योंकि वो अभी तो बाल रूप में हैं, बच्चे के रूप में वो जन्म लेंगे, और बच्चों को तो पैंटी पहनानी होगी ज़रूरी, क्योंकि वो इतने महंगे और इतने क्यूट से अगर वो अपने बिस्तर ख़राब करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये है उनकी ड्रेस की थोड़ी सी मैचिंग, बहुत प्रॉपर नहीं है पर थोड़ा सा पिंक कलर है, बहुत ही क्यूट लग रही भगवान जी की। कल मैं उन्हें जब पहनाऊंगी और जब मैं उनका श्रृंगार करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे कृष्ण भगवान कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। और
उसमें बांसुरी थी, पर उसके बाद भी हम लोग ने भगवान जी के लिए ये बांसुरी ली है जो कि बहुत ही सुंदर है। इसमें आप ध्यान से देखिए, अगर देख पा रहे होंगे, इसमें आप देखिए कि इसमें कृष्ण भगवान का हाथ है, उन्होंने अपने हाथ में ही मोर पंख को पकड़ा हुआ है। आई होप आपको कैमरे में क्लियर दिखाई दे रहा होगा। और ये बांसुरी ली है उनके लिए ताकि उनको और अच्छे से सजा पाऊँ। तो ये है जन्माष्टमी के दिन का सामान। और इसमें साइड पे छोटा सा ये लटकन दी हुई है जो कि बजती भी है और ये बहुत ही अच्छी लगेगी उनके ऊपर। सो ये तो हो गया जन्माष्टमी का कि भगवान को हम लोग क्या पहनाने वाले हैं। पर हम लोग हमेशा दो ड्रेस लेके आते हैं भगवान की, एक जन्माष्टमी के लिए और एक छठी के लिए। तो छठी के लिए इस बार हम लोग लेके आए हैं बहुत ही डिफरेंट और फैंसी सी ड्रेस जो कि है पर्पल कलर की। मेरे जो कृष्ण भगवान हैं उनके पास काफ़ी कलर के ड्रेसेस हैं, उनके जन्माष्टमी में और भी फेस्टिवल में उनके लिए कपड़े आते हैं, तो उनके पास येलो, ग्रीन, ब्लू बहुत सारे हैं। और ये कलर भगवान जी के लिए हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, पर कृष्ण जी के पास काफ़ी सारे कलर के कपड़े थे इसे छोड़ के। तो मैंने मॉम से बोला कि मॉम ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है, आप इसे ले लीजिए। और इसमें गोल्डन वर्क नहीं दिया गया है, इसमें सिल्वर का वर्क दिया गया है जो कि काफ़ी क्लासी लग रहा है। और जब छठी में भगवान इसे पहनेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। और इसके साथ एक्सेसरीज तो ऑब्वियसली होगी, कृष्ण भगवान का सिंगार बिना उनकी ज्वेलरी के तो होने वाला नहीं है। तो ये पर्पल कलर की ही उनकी एक्सेसरीज है और ये गोल्डन और पर्पल में है। और ये एक लेके आई हूँ उनके लिए मुकुट जो कि सिल्वर वर्क का है, क्योंकि उनकी ड्रेस सिल्वर है तो सिल्वर और पर्पल में है, तो मुकुट भी सिल्वर और पर्पल में ही चूज़ किया है। और ये उन जो फैब्रिक की ड्रेस है उसी फैब्रिक का ही मुकुट है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। बताइए आपको ये कैसा लग रहा है। तो अच्छा गाइस, आप ये देखिए, क्या ये मैचिंग का लग रहा है आपको? ये ड्रेस कॉम्बिनेशन मैंने कराया था पर मम्मा को बोल रही थी ये प्रॉपर मैचिंग नहीं कर रहा है, पर मुझे तो अच्छा लग रहा था। बताइए आप ये कैसा लग रहा है। और इस कलर का कोई भी आसन नहीं था, और आसन तो बहुत ज़रूरी होता है कृष्ण भगवान के लिए, तो आसन के लिए हम लोग ने ये येलो कलर का चूज़ किया है। येलो कलर के आसन कपड़े भगवान जी के पास बहुत सारे हैं, पर अब पर्पल नहीं था तो आसन तो लेना ही था। पर इसमें से ये जो साइड की दी गई है, लेस दी है, इसमें कहीं कहीं पे पर्पल और ब्लू का काम है, तो इस वजह से हम लोगों ने अपने बाल गोपाल के लिए ये येलो कलर का आसन चूज़ किया है। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत सॉफ्ट है। और इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, एक फिलो है, दो सेठी है और एक ये बिस्तर है, मतलब एक उनका आसन है। और इनके लिए भी एक पैंटी चूज़ करी है, बहुत ही क्यूट सी है, ये कैसी लगेगी उनके ऊपर, मुझे तो ये सोच के बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब मैंने पैंटी अभी तक नहीं बनाई, लेकिन अब की मार्केट में ये पैंटीज़ मिल रही थी तो ये ड्रेस के लिए, क्योंकि पर्पल अवेलेबल नहीं होता भगवान की चीज़ों में, तो मैंने सोचा कि जब नहीं है तो किसी और कलर की लेते, तो जब फैंसी ड्रेस है तो फैंसी कलर की ये पैंटी को चूज़ किया है। हर साल भगवान की झांकी के लिए एक नया खिलौना लेके आते हैं, ये बहुत शुरू से रिचुअल्स है मेरे यहाँ पे कि जन्माष्टमी को कोई ना कोई नया खिलौना लेके आते हैं। तो इस बार नए खिलौने में हम लोग ये लेके आए हैं, और ये कैसा लग रहा है आप बताइएगा। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे, इनकी फिनिशिंग देखिए कितनी ज़्यादा अच्छे से हुई है। और आई होप आपको कैमरे में सही से दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं, और कल मैं अपनी झांकी में इन्हें रखने वाली हूँ। और कुछ खिलौने और भी हैं मेरे यहाँ, बहुत सारे खिलौने हैं भगवान जी के, कुछ टूट भी गए हैं क्योंकि जैसे पहले होता था बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से, तो वैसे तो अब पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि पहले 6 दिन तक और जगह भी थी, पहले मैं जहाँ रहती थी वहाँ पर खूब जगह भी थी सजाने के लिए, तो वैसे तो नहीं हो पाता। लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि भगवान जी के बर्थडे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और कुछ खिलौने टूट गए हैं तो मम्मी शायद आज या कल में फिर जाएंगी कुछ लेने। और एक ये है यशोदा माता
कन्हैया जी को कुछ बोल रही हैं कि इतना माखन क्यों खाते हो, फैट बढ़ जाएगा। तो बस एक ये खिलौना है बहुत क्यूट सा, और आज मैंने अपने भगवान जी का झूला निकाला, क्योंकि हमेशा हम लोग झूले पे नहीं बैठाते उन्हें, वो आसन पे बैठते हैं। पर जन्माष्टमी के 6 दिनों में, मतलब उनके बर्थ से लेके उनकी छठी तक, उन्हें झूले में बैठाते हैं। तो ये झूला निकाला ताकि इसे देख लें कहीं कुछ निजबीज तो नहीं है, कुछ टूटा कुछ फटा तो नहीं है। तो बस आज हम लोगों ने इन्हें निकाला है। ओवरऑल तो ये पूरा ठीक है, और ये पीतल का है और ये प्रॉपर ठीक है, बट गाइस ये पता नहीं कैसे कहाँ से इसको स्क्रैच लग गया। और बस अभी हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे कि कल जन्माष्टमी है, और अच्छा हुआ इसे पहले देख लिया, तो इसे थोड़ा रिपेयर कर सकते हैं भगवान जी के झूले के लिए। और बहुत ही लकी लोग होते हैं जो भगवान जी को झूला झूला पाते हैं, और मैं बहुत अपने आप को टच वुड बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिलता है कि ठाकुर जी को अपने हाथों से झूला झूला पाऊँ। तो कल मेरे यहाँ जन्माष्टमी कैसे होती है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप मेरे वीडियो से बने रहिए। और हाँ, भगवान जी के डेकोरेशन के लिए मैं कुछ लेके आई हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भगवान जी के डेकोरेशन के लिए लेके आई हूँ ये, और बर्थडे है और डेकोरेशन ना हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता, और वो तो फिर ठाकुर जी का बर्थडे है तो उनके बर्थडे में सजाने के लिए मैं ये लेके आई हूँ। कैसा लग रहा आप मुझे बताइएगा ज़रूर, और मुझे बहुत अच्छा लगा, ये स्टार टाइप का है। और लेके आई हूँ ये झांकी में, ये सब चीज़ें लगती हैं और बहुत अच्छी भी लगती हैं देखने में। और भगवान जी का बर्थडे सेलिब्रेशन तो डेकोरेशन तो अच्छी सी करनी होगी, तो दो ये लेके आए हैं, झूमर है ये, और ऐसी वाली बॉल्स लेके आई हूँ, खूब सारी लेके आई हूँ जो कि डेकोर में यूज़ करूँगी। डिफरेंट कलर के हैं, येलो पिंक ग्रीन पर्पल इस तरीके से है। और एक भगवान जी के लिए लेके आई हूँ, मतलब डेकोरेशन के लिए लेके आई हूँ एक, ये बहुत ही प्रिटी मुझे लग रहा था, और इतना बड़ा सा है, मतलब अगर मैं ऐसे करके बात करूँ तो मेरा फेस नहीं दिखेगा, और ये बहुत अच्छा लग रहा था, और इसको भी मैं झांकी में यूज़ करूँगी। कानपुर में जो भगवान की डेकोरेशन होती है बर्थडे की, उसे झांकी बोलते हैं। और अगर आप कानपुर से बाहर के कहीं हैं तो मुझे बताइएगा कि आपके एरिया में इसे, मतलब डेकोरेशन को क्या बोलते हैं, हम लोग उसको झांकी बोलते हैं। तो ये डेकोरेशन मैं यूज़ करूँगी, और हर बार, क्योंकि भगवान जी को मोर पंख ही बहुत प्यारी होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि वो अपने मुकुट में हमेशा मोर पंख को लगा के रखते हैं, तो हम भगवान जी की पसंद को कैसे भूल सकते हैं। तो हम लोग लेके आए हैं ये मोर पंख ही, ये हर बार आते हैं हम लोग के घर में, किसी न किसी फॉर्म में इसे हम लोग यूज़ करते हैं, डेकोरेशन में या भगवान जी के झूले को सजाने के लिए, कैसे भी इसे यूज़ करते हैं। और आपकी भी इसे यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करते हैं इसे देखने के लिए आप कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो कि झांकी सजाने का होने वाला है। और हमारे यहाँ लकड़ी की मंदिर नहीं है, जो ईंटें मिट्टी की होती, मतलब मिट्टी का तो नहीं चलता है, जो घर पे जो घर बनाने में ईंटें और सीमेंट की दीवार वो होती है अलमारी, वही है। तो उसे मंदिर बनाने के लिए हम लोग इस तरीके का ताव लगाते हैं कवर, ताकि वो मंदिर के लुक में लगे। तो बस ये है, और कल इसे मैं सजाऊंगी मंदिर, इससे मैं मंदिर सजाऊंगी, तो बस आप देखिएगा। और मैंने भगवान जी की ये सारी शॉपिंग की, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, आपको भगवान जी की कौन सी ड्रेस अच्छी लगी, और मेरी शॉपिंग आपको कैसी लगी, जैसा भी लगे आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और अब मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर से ज़रूर, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग जन्माष्टमी के व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, परिवार के साथ रहिए, बाय बाय।